अबे वो क्या है वो क्या है भागो भागो अबे क्या है पीछे मत भागो नहीं देख रहा नहीं देख रहा नहीं देख रहा भाग भाग तू भी भाग जल्दी से भाग भागो भागते रहो लाइट आ गई लाइट चालू करो और भागो फटाफट भागो मेरी भी आ गई जल्दी भाग भाई जल्दी भाग जल्दी सो जा ये कैसी आवाज है ये क्या था गाइस मैं ना यार तुम लोगों को बिना वीडियो देखे कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलूंगा लेकिन तुम लोगों ने जो क्लाइमैक्स देखा ना यार शुरुआत में उसको बनाने में मतलब गेम के अंदर ऐसे कुछ है नहीं यार मतलब बहुत कम चीज़ें गेम के अंदर अभी करने के लिए क्योंकि अर्ली एक्सेस में लेकिन गेम के अंदर मैंने यार आज के एपिसोड में 4 स्टोरीज बनाई है तो यार जो स्टार्टिंग में क्लाइमैक्स देखा था यार वहाँ तक अगर तुम पूरी देखने की कोशिश करो ना यार मतलब एक एक साउंड एक एक सीन मैंने ना मतलब मैच एक एक बीट मैच करने की कोशिश की एक एक सीन के साथ तो अगर तुम वीडियो पूरी देख सको और बता सको यार कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी उसके बाद तुम्हारा मन करे तो सब्सक्राइब करना नहीं तो मुझे बता दो यार कि और कैसे इम्प्रूव करो लेकिन यार वीडियो पूरी देखने की कोशिश करना एटलीस्ट जो स्टार्टिंग में क्लाइमैक्स के सीन मैंने तुम्हें दिखाए वहाँ तक तो देख लो यार क्योंकि मतलब स्टोरी पूरी मैंने बिल्ड की हुई है तो काफ़ी मतलब मेहनत लगी है यार तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा चलो वीडियो की तरफ ओके सो हे गाइस वेलकम बैक रैंक सिमुलेटर के नए एपिसोड में भाई आप लोगों का स्वागत है और भाई जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने तुम लोगों को बताया था कि आज हमारे पास हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों की कलेक्शन इनके लिए गैराज बनाएंगे लेकिन ठीक है उससे पहले हमें एक चीज़ करनी है भाई तुम लोगों को ये सारा का सारा जो मैप है ना भाई ये सारा एक्सप्लोर करके इसकी मेन लोकेशंस बतानी है गोगो मुझे कह रहा था कि उसको काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस पता है तो चलो गाइस आज करते हैं भाई ये मैप एक्सप्लोर और करने चलेंगे भाई हंटिंग तुम्हें गेम में भाई सिर्फ जो बान के अलावा सिर्फ 3 या 4 जानवर हैं ठीक है एक तो आता है बियर एक आता है डियर और एक आता है वुल्फ तो वो तीनों जानवर भी दिखा दूंगा उनकी हंटिंग करके दिखा देंगे और बाकी बान में तो सारा कुछ मैंने खरीद के दिखा दिया है जनरल स्टोर से सारा कुछ खरीद के दिखा दिया है कार्स मैंने सारी की सारी खरीद ली हैं अब बस हमें खरीद के एक्सप्लोर करना बाकी है भाई तो अब एक्सप्लोर करते हैं उसके बाद नई गेम का अपडेट आ चुका है एक नया अपडेट मैं करने वाला हूं भाई उसमें मेरा घर अपग्रेड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो आज के लिए करते हैं भाई एक्सप्लोरेशन शुरू सबसे पहले देखते हैं गोगो है किधर भाई गोगो ओए गोगो हो रहा साले भाग मत बहुत काम है आज क्या करना है आज आज ले चलना है तूने घूमने तूने कहा था ना कि तुझे बहुत ज्यादा जगह पता है यहाँ रेंज के आसपास हाँ सही बात है चल चल घुमा मुझे एक गाड़ी ले ले कोई भी उठा ले एसयूवी में आऊंगा तेरे पीछे पीछे आजा गोगो बता किधर चलना है मैं अपनी गाड़ी में तैयार हूँ भाई अच्छा तू भी गाड़ी में बैठा है बहुत एक्साइटेड है भाई लगता है बहुत सही सही जगह पता है चल भाई लेके चल आज जहाँ तू ले जाएगा वहाँ घुमाते हैं सबको ठीक है मैप में बेस्ट लोकेशन जितनी है एक्सप्लोर करेंगे आज सारा और जहाँ कोई जानवर दिखेगा भाई चलो मेरे साथ आ रहा हूँ चल तू भाई ये तो स्टार्टिंग में जंगल में ले जा रहा है चलो कोई बात नहीं भाई जंगल में कुछ अच्छी लोकेशन भी होती है भाई काफ़ी बार ऐसा दिखता है कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स आते हैं काफ़ी अच्छा सीन दिखता है जंगल में तो जंगल में जाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे वैसे मुझे लगा था ये रैंच के एरिया से थोड़ी बाहर शहर वहर के पास ले जाएगा और यहाँ पे भाई मरे वो हिरन पड़े हैं कैसी जगह पे है भाई ये कोई इतना डीप में अभी तक आया नहीं जंगल में लेकिन ठीक है इसको रास्ता पता होगा तो लेके जा रहा है ठीक है अभी भाई ये किसका घर है गोगो आओ मेरे साथ बताता हूँ आओ आ रहा हूँ साले मेरी सुपारी तो नहीं ले ली तूने अबे गोली क्यों निकाल रहा है साले अच्छा नहीं नहीं रखो चलो स्टोरी बताता हूँ इस जगह की हाँ बता देखो यहाँ पे ना एक बहुत मशहूर शिकारी रहता था देखो हाँ। दीवार पे टंगा हुआ है बड़े डियर का हाँ। सर हाँ उसकी ना बहन आई थी यहाँ पे उसके साथ मस्ती करने और ट्रैक पे जाने और बहुत सारी चीजें करने हंटिंग वगैरह करने देखो उसकी गोली यहाँ पड़ी है सामने हाँ हाँ तो वो कहाँ गया उसकी ना बहन को जब वो अकेले हंटिंग करने गई थी यहाँ पे वो सो रहा था और उसकी बहन को जंगल की चुड़ैल उठा के ले गई जंगल की चुड़ैल हाँ एक जमाने में बहुत गंदी चुड़ैल हुआ करती थी इस जंगल में और उसकी बहन को छुड़ाने हमारा शिकारी अपनी गन बंदूक सब लेके चुड़ैल के पीछे बहुत घनेरे जंगल में उतर गया था और वो कभी वापस नहीं आया अबे साले निकल यहाँ से मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ भाई कैसी जगह लेके आ रहा है तुम्हें जा रहा हूँ यहाँ से मुझे नहीं आना भाई यहाँ पे अगली जगह चल भाई तू
लोग कहते हैं कि अभी भी यहाँ से गोली चलने की आवाज आती है। अबे भाई तेरे ये स्टोरी सुनाने के बाद जंगल में फॉग देख कितनी हो गई, निकल यहाँ से भाई, जल्दी निकाल मुझे यहाँ से, मैं नहीं जा रहा यहाँ पे आगे, और कहीं चलो, और कहीं चलो, चलो दूसरी जगह ले चलता हूँ, चलो। हाँ थोड़ी अच्छी सी जगह ले जाए यार, कुछ अच्छी सी बिल्डिंग विल्डिंग, मैं तो अच्छी सीन दिखाने लाया हूँ भाई, ताकि मतलब ऑडियंस भी खुश हो जाए, डराना थोड़ी है यार किसी को, चल आ जा। ठीक है ठीक है, चलो चलो। अरे भाई गोगो कहाँ लेके जा रहा है यार तू, तो और घने जंगल में, सड़क पे चल ले थोड़ा सा। चलो चलो ठीक है, सड़क से चलो। हाँ भाई गाइस ये गोगो आज, अरे वाह यार ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, मतलब थोड़ी डरावनी सी फॉग है आज, लेकिन ये अच्छा दिख रहा है। ये किसका रैंच है भाई, बंद क्यों? और ये एक जमाने में कब्रिस्तान हुआ करता था, फिर यहाँ पे किसी ने कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी खरीद के अपना बड़ा सा रैंच बनाया। लेकिन इस जगह के बारे में भी एक चीज है जो लोगों को पता नहीं है। क्या? यहाँ पे जो भी काम करने आता है सब मर जाते हैं। अबे साले कैसी जगह लेके आ रहा है भाई तू, कुछ नॉर्मल जगह ले जा बिना भूत के भाई, कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं जाना यहाँ पे, निकल चल चल भाई, तू कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है? यहाँ से भी चल भाई, कोई नॉर्मल जगह ले जा मुझे जहाँ भूत भूत नहीं है। आज तुझे हुआ क्या है भाई, सब जगह ऐसे लेके जा रहा है जो सारी हॉन्टेड है? मुझे अच्छी जगह चलना है भाई, अच्छी जहाँ पे अच्छी फोटो आ सके भाई, सेल्फी आ सके। चल किसी अच्छी सी जगह ले चल भाई, एक तो तेरे हॉरर स्टोरी सुनाने के बाद ही यहाँ सारी फॉग ही फॉग हो गई भाई, सड़क तक नहीं दिख रही अच्छे से। प्लीज भाई कहीं नई जगह ले जा। स्टोर वाले ने बताया था ना मुझे कि आपको भूत दिखने लगे हैं, इसलिए मैं भूत दिखाने ले रहा हूँ आपको। अरे कौन से भूत दिखने लग गए भाई, मुझे कोई भूत नहीं दिखे, किसने बोला तुझे? अरे वो जनरल स्टोर वाली बता रही थी कि आप दद्दू 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 कह के यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो इसलिए मैं आपको भूत दिखने लाया हूँ। अरे दद्दू तो है ना, लेकिन दद्दू आए थे यार, दद्दू अभी गए थोड़े दिन पहले, तेरे आने से एक दिन पहले गए हैं वो सुबह, सारे पैसे कमाने की टेक्निक्स बताई यार दद्दू ने। अच्छा ठीक है चलो, एक चीज बताता हूँ, आओ मेरे साथ। इस बार भाई कोई नॉर्मल सी जगह जाना है ठीक है, क्योंकि हर बार तू मुझे डरावनी डरावनी जगह ले जा रहा है यार, भूतों से भाई बहुत डर लगता है, इतने रिस्क नहीं लेने का। अच्छा ठीक है, अरे सामने वाटरफॉल है वो देख लो, वाटरफॉल में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ ये आया ना भाई अच्छा व्यू, पर पता नहीं यार आज फॉग बहुत पड़ रही है भाई, इस गेम में मैंने पहली बार देखा इतनी डेंस भाई, ऊपर से ये हॉरर स्टोरी बता रहा है और सामने की पहाड़ी गाइस बिल्कुल नहीं दिख रही है यार, फॉग से पूरी कवर हो चुकी है। वाटरफॉल का व्यू तो बहुत ही जबरदस्त है यार, ये वाली गोगो थोड़ी सी बढ़िया स्टोरी है, मतलब बढ़िया लोकेशन है, क्या बोलता है ना? एक फोटो हो जाए साथ में, प्लीज बताता हूँ। आओ आओ पानी में डुबकी लगानी है क्या? आजा तू, चल मैं आता हूँ तेरे पीछे, कूद गया। ये ले भाई सामने की तरफ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ गया, बता अबे ये क्या है यहाँ पे है गोगो, ये क्या है भाई? ये है आपके दादाजी की कब्र। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने ही उनको दफनाया है यहाँ पे पानी के पास। पर दद्दू तो, इसलिए तो मैं कह रहा था कि सब कह रहे थे कि आप दद्दू दद्दू करके यहाँ वहाँ घूम रहे थे, भूत दिख रहा था क्या आपको दद्दू का? अरे लेकिन दद्दू, ये कैसे हो सकता है यार? दद्दू 1 साल पहले गुजर चुके हैं, मैंने खुद उनको यहाँ दफनाया था, जब आप आए थे उसके 6 महीने पहले ही वो गुजर चुके थे, उनको आपका लेटर मिलने से पहले। पर ये कैसे हो सकता है यार, मुझे तो उन्होंने काफी चीजें बताई आके। अरे दद्दू इसके लिए क्या क्या लेना है? सॉसेज के लिए एक बार ये बता दो, सॉसेज के लिए क्या क्या सामान लेना होगा? अच्छा हाँ, सॉसेज के लिए सबसे पहले तो पिग से पॉर्क तो बन ही जाएगा ठीक है, उसके बाद क्या लूँ? अच्छा ये दोनों चीज़ें ले लेता हूँ, मैनुअल मीट ग्राइंडर, सॉसेज टफर है ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद गाय तो नहीं लेके जानी है? गाय से कुछ बन सकता है क्या? अच्छा गाय से चीज़ बनता है, ओके ओके। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने सपने में वो सब चीज़ें देखी हो। यार सपने में, ये सही में दद्दू की कब्र है क्या? आप खुद भी तो सीख कैसे कुछ कुछ करना है, ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में वो बातें चल रही हो लेकिन दद्दू की आवाज के थ्रू आपको सब समझ में आया हो, खुद से नहीं सपने में। हो सकता है यार, हो सकता है। और गाइस
जैसे ये सब हम दद्दू की कब्र के पास आए यार, मुझे लग रहा था कि दद्दू सच में आए थे, लेकिन शायद वो मेरा सपना था। लेकिन जैसे ये सब हमने क्लियर की कंफ्यूजन, वैसे ही सारी फॉग जा चुकी है गाइस। सामने देखो पूरा जंगल अब क्लियर हो चुका है, अब शायद नॉर्मल लोकेशन में हम जा सकते हैं यार, और हॉन्टेड लोकेशन में मैं नहीं जा सकता यार। और ये पूरे के पूरे सस्पेंस के बाद भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या सच था क्या नकली था। दद्दू की पूरी स्टोरी मुझे समझ नहीं आ रही यार, कैसे सपना हो सकता है यार। तुम लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यार। हाँ यार, अब थोड़ा तो मुझे अच्छी जगह पे लेके आ रहा है भाई। यहाँ पे आसपास अच्छा व्यू है भाई, थोड़ा धूप है, मतलब फॉग नहीं है डरावनी सी, और सड़क से चल रहा है भाई। सबसे बड़ी बात तो सड़क से लेके जा रहा है भाई, काफ़ी अच्छी जगह है भाई। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में। तो ये कहाँ पे आ गए भाई हम, और ये बंद क्यों है भाई टनल? ये देखो ये टनल दिख रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है। यहाँ से एक जमाने में बहुत सारे ट्रैवलर्स आ रहे थे, जिन्होंने हमारे रेंट में रूम रेंट किया था। दद्दू का जब बहुत बड़ा घर था ना, तब रूम रेंट पे देते। अच्छा, तो वो आ रहे थे एक गाड़ी में और दो बाइक पे आ रहे थे। अच्छा, तो देखो वो दूर टनल बंद दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ बंद है बंद है। वहाँ से एक गाड़ी निकल गई और एक बाइक भी निकल गई, लेकिन एक बाइक वाला अंदर ही रह गया। लेकिन के दोस्तों ने पीछे नहीं देखा और फटाफट रैंच में आ गए और रूम ले लिया उन्होंने। हाँ ठीक है। रात भर उसके लिए रुके थे लेकिन वो आया नहीं। तो रात काटने के बाद वो वापस यहाँ टनल में आए और टनल में देखा कि वो टनल के बीच में एकदम सुनसान खड़ा होके ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर की तरफ क्यों? और जब वो उसके पास गए तब उन्होंने देखा और उसने कहा कि मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो, मैं डर गया हूँ, मैं अटक गया हूँ, मुझे ले चलो। फिर जब रैंच गया वो, तब उसने पानी वानी पिया, थोड़ा आराम किया और फिर उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था? उसने कहा कि उसको सीलिंग से दिख रही थी लटकी हुई उनकी उल्टी चुड़ैल। ये वही चुड़ैल है क्या? हाँ ये वही चुड़ैल थी जिस भिखारी और उसकी बहन को उठा के ले गई थी। अरे यार यहाँ से भी निकल भाई, तू क्या कर रहा है यार, क्या चाहता है तू, यहाँ से निकल। अरे यार कैसी जगह पे ले भाई लोग, मैंने तुम लोगों को एक्सप्लोर करने का बताया था, लेकिन ये सारी की सारी हॉन्टेड लोकेशन में लेके आ रहा है भाई। मैं खुद यहाँ से निकलता हूँ यार। और एक बार फिर से फॉग पड़ना शुरू हो गई भाई, आसपास सारी जगह धुआं होने लग गया। ये क्या हो रहा है भाई आज के साथ? यहाँ से भी जल्दी से निकलते हैं यार, जल्दी से निकलते हैं, किसी अच्छी जगह पे चलते हैं यार अब। अरे गोगो ये कैसी जगह ले आया यार, और रात भी बहुत हो रही है, मतलब कहाँ जा रहे हैं यार? कितनी लोकेशन, कितनी दूर बची है ये लोकेशन तेरी लास्ट वाली? एक लास्ट जगह बची है, आ जाओ। चल आ रहा हूँ। अबे मेरी गाड़ी की लाइट वाइट खराब हो रही है, क्या दिक्कत है ये? मेरी भी गाड़ी खराब हो गई, बंद हो गई। मेरी गाड़ी भी बंद हो गई, पैदल जाना पड़ेगा क्या? हाँ पैदल आ जाओ, रेलवे ट्रैक के आसपास ही आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। दिख रहा हूँ ना मैं आपको? हाँ दिख रहे, तेरी लाइट दिख रही। अबे यहाँ पे सारे पेड़ टूटे फूटे से क्यों है? मैं भी पहली बार आया हूँ बहुत देर के बाद। ये सारे पेड़ टूटे हुए क्यों है भाई यहाँ पे, ये देख। पता नहीं, मुझे नहीं पता, दोनों तरफ के टूटे हुए हैं। ये क्या हो रहा है यार? अबे मेरी फ्लैश लाइट भी बंद हो रही है बार बार, ये क्या हो रहा है यार? मतलब कुछ दिक्कत है शायद, बैटरी खराब हो रही है। बंद हो गई मेरी तो। मेरी चालू है अभी तक। चल लो जल्दी चल लो। अबे तेरी भी चली गई क्या फ्लैशलाइट? हो गई। हाँ मेरी भी चली गई। अच्छा ये व्यू है क्या यार? ये व्यू तो बहुत जबरदस्त है रात को, सारा समुंदर का, मतलब लेक का। एक चीज बताता हूँ, आओ वहाँ देखो सामने वो कैरावैन दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहे हैं। कोई है क्या यहाँ पे? एक जमाने में। अबे ये क्या? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा डियर है, मैं डर गया। अच्छा हाँ फिर? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन एक जमाने में वहाँ पे बहुत वहाँ मत जाओ। अच्छा नहीं जा रहा। पीछे आ जाओ। हाँ वहाँ पे एक जमाने में बहुत लोग कैंपिंग करने आते थे, लेकिन एक लड़का था जो हमेशा वहाँ रहता था, और जो लोग कैंपिंग करने आते थे उनसे दोस्ती कर लेता था। फिर एक रात को मस्ती में जो लोग वहां रहते थे उन्होंने उसको उठा के इस तालाब में फेंक दिया और मार दिया। क्यों? लेकिन अगली सुबह वो लड़का फिर से वहीं बेड में सोया हुआ मिला, और बाकी जितने भी लोग कैंपिंग करने आए थे सब मर गए थे।
ये कैसे वो लड़का मारा कैसे नहीं? तब पता चला कि वो चुड़ैल थी जिसको पता लग गया था कि अकेले लोग उससे डरते थे, तो उसने उस लड़के का रूप लेके पूरे ग्रुप को टारगेट किया और सबको खत्म कर दिया। अरे यार ये कैसी जगह और बिल्कुल रात में भाई, हमारी गाड़ियां खत्म हो चुकी हैं, कैसे जाएंगे? अबे वो क्या है, वो क्या है? भागो अबे क्या है, पीछे मत भागो, नहीं देख रहा, भाग तू भी भाग, जल्दी से भागो, भागते रहो, लाइट आ गई, लाइट चालू करो और भागो, फटाफट भागो, मेरी भी आ गई, जल्दी भाग भाई, जल्दी खोल रहा, गाड़ी में बैठ, किसी भी एक, दोनों गाड़ियां स्टार्ट करते हैं, जो गाड़ी चल गई उसमें भाग जाएंगे, जल्दी से चल, जल्दी से, तो पीछे मत देखना भाई, पीछे मत देखना, जल्दी कर, जल्दी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चलो, अरे सेठ, उठो, दो दिन से बेहोश पड़े हो, कैसे हो, उठो। दो दिन हो गए क्या? क्या हुआ था? आपने गाड़ी फूंक दी थी जब हम वहां से भाग रहे थे, तो मैं आपको मेरी गाड़ी में डाल के ले आया था और आपको इस बिस्तर पे रखा मैंने, और दो दिन से बेहोश पड़े हो आप। अरे लेकिन वहां पे हुआ क्या था? अरे वो तालाब में से चुड़ैल निकल आई थी और हम भाग भाग के आ रहे थे गाड़ी में, और आपने गाड़ी ठोक दी पेड़ में, तो फिर मैं ले आया आपको वहां से। अरे हाँ याद आया यार, आज के बाद मैं कभी जंगल में नहीं जाऊंगा यार। अरे लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि शिकार करने जाएंगे आज। अरे हाँ यार, मैंने ऑडियंस को प्रॉमिस तो किया था, लेकिन एक काम करते हैं भाई, एसयूवी में चलेंगे, दिन को चलेंगे और भाई रात होने से पहले वापस आ जाएंगे और साथ रहेंगे, ठीक है? जल्दी से चल भाई, दिन में जल्दी से करके आते हैं, तू चला आजा। ओके गाइस, अब चलते हैं भाई, सबसे पहले हम हंटिंग करने, तीन जानवर हैं भाई गेम में जिनकी हंटिंग कर सकते हैं, जो जंगल में मिलते हैं इजीली फ्री में, तो अब चलेंगे भाई हम लोग उनको हंटिंग करके दिखाएंगे तुम लोगों को कि कैसे वो क्या करते हैं, उनसे अटैक भी दिखाऊंगा कि उनके अटैक से मरते हैं नहीं, वो सब भी दिखाऊंगा मैं, और कितनी गोलियों से मरते हैं सब कुछ, मतलब हंटिंग से रिलेटेड जो भी है, और कितना वो मीट देते हैं, कितने पैसे मिल सकते हैं, तो जो भी है भाई, अब चलते हैं हंटिंग के लिए। गाइस तो आज भी हम जैसे ही जंगल की तरफ गए हैं यार, आज फिर से फॉग पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन हंटिंग के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा यार, तुम लोगों को दिखाना यार जो भी है, लेकिन फॉग पड़ना शुरू हो गई, बहुत ही डरावना सीन हो चुका है गेम के अंदर फिर से। लेट्स गो गाइस, अभी के लिए हंटिंग के लिए चलते हैं, बस हम दिन को वापस आने की कोशिश करेंगे भाई, और रात नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। ओके गाइस, तो पहला हमें शिकार मिल चुका है, वो देखो गाइस सामने की तरफ एक भालू है भाई, अब उतर के भाई धीरे धीरे इसके पास जाके देखते हैं। अब मैं पहले ये देखता हूँ कि भाई हम इस पर अटैक ना करें, गोगो बैकअप देना मुझे ठीक है, अगर हम इस पर अटैक ना करें तो क्या ये हम पे अटैक करेगा नहीं, एक बार जाके देखते हैं भाई, ये शायद कुछ ढूंढ रहा है, देखते हैं। अबे हाँ भाई, करता है, अबे पीछे पड़ गया, गोगो मार गोली मार साले को। तो गाइस ये मर चुका है भाई पहला भालू हमारा, और इसको स्किन करे तो हमें मिलते हैं 4 पीस, तो 30 या 40 का एक पीस है, तो $120, और अपने पास है 91,600, तो इसको उठाने के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, अब चलते हैं भाई और एक दो ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं भालू, अगर भालू नहीं मिले तो नेक्स्ट जानवर की तरफ चलेंगे। वैसे तो इस एरिया में काफ़ी भालू होने चाहिए, क्योंकि भालू अकेले नहीं रहते यार, भालू काफ़ी लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन यार यहाँ पे सामने वो हॉन्टेड वाली रैंच भी आ चुकी है यार, इसलिए यहाँ पे अकेले जाना भी रिस्की है, तो यहाँ पे अरे आ गया, तो चलो यार यहाँ से निकल ही लेते हैं जब तक हो सके। वो रहा, ओके गाइस तो मिल चुका है भाई एक और हमें शिकार अपना, और चलते हैं इसके पीछे भाई, शायद ये बहुत भगाने वाला है हमें यहीं से भाग के। अरे ये रहा, तो इस पे एम करना पड़ेगा भाई दूर से। अरे रिलोड कर ले भाई जल्दी से, अरे भाग जाएगा, जल्दी रिलोड किया कर। अरे ये आया, मर गया भाई लोग। फाइनली भाई हमने अपना अगला शिकार भी कर लिया भाई, ये मार दिया हमने रेनडियर, अब बचा है भाई हमें कुत्ता, जो भाई ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे भाई, नहीं मिला तो फिर कभी अगर घूमते फिरते मिल गया तो तब दिखा देंगे तुम्हें, वैसे तो मिलना उसका बहुत ही मुश्किल होता है, और जंगल के बिल्कुल बीच में जाके मिलता है नॉर्मली वो, लेकिन ठीक है कोशिश करेंगे भाई लोग हम ढूंढने की, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, तब किसी और दिन तुम लोगों को दिखा दूंगा। आज के लिए बहुत एडवेंचर हो गया भाई इन 2-3 दिन में रैंच के अंदर, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा भाई हमने एडवेंचर कर लिया,
और जंगल में अकेले जाना भाई बहुत ही रिस्की लग रहा है, लेकिन फिर भी भाई मैं तुम्हारे लिए कुत्ते को ढूंढने जा रहा हूँ भाई, या वुल्फ जो भी होता है भाई। एक तो गेम्स ने यार कंसेप्ट बदल दिया कुत्ते और वुल्फ का, बोलते वुल्फ है और निकलता भौंकने वाला है। तो यार माइनक्राफ्ट में भी यही सिस्टम चलता है, इसमें भी यही सिस्टम है, तो पता नहीं भाई अब क्या है ये। गाइस तो यहाँ पे कहीं मुझे एक कुत्ता दिखा है भाई, उसके पीछे पीछे आया हूँ मैं, थोड़ी पीछे गोगो भी खड़ा हुआ है, लेकिन काफ़ी अंधेर हो गया, लेकिन मैं जल्दी से उसको मार लेता हूँ यार। एक बार तुम लोगों को दिखा देता हूँ भाई कि कुत्ता या वुल्फ जो भी है वो चीज़ पता नहीं किस तरफ को गई, लेकिन दिखा देता हूँ तुम लोगों को एक बार। लेकिन गाइस मैं बहुत ही अंधेरा हो चुका है, और यार मेरे पास तो आज फ्लैश लाइट भी नहीं है। गोगो किधर गया? गोगो, अबे गोगो साले किधर गया? अबे गोगो कहाँ है यार? मुझे रास्ता नहीं पता किस तरफ से बाहर को निकलना है, मैं फिर से अटक गया क्या? इसी तरफ से आया था शायद, इस तरफ भागता जाता हूँ। ये कैसी आवाज है? ये क्या था? We'll be right back.